और अब बात जयपुर रत्न सम्मान समारोह के तीसरे संस्करण की। तो जयपुर के प्रताप नगर के निर्मला ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर कला, संस्कृति, शिक्षा, समाज सेवा, खेल सहित कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली हस्तियां यहां मौजूद रही, जिनको सम्मानित किया गया। तो वहीं कथक कलाकार, सितार वादक, गजल लोक गायकों ने भी राजस्थान की संस्कृति को प्रदर्शित किया। इस दौरान लोगों को गाढ़ा मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल NL टिबरेवाल, तो वहीं कार्यक्रम में आयोजक अंबालिका शास्त्री और ब्रांड एम्बेसडर जगदीश पारेख, IPS सुनील दत्त, पद्मश्री गुलाबो सपेरा, रितु राठी, सुनीता मीणा और करिश्मा हाडा भी इस कार्यक्रम में मौजूद दिखे। 74 प्रतिभागियों का सम्मान किया गया जो विभिन्न क्षेत्रों से थे, और ये जयपुर रत्न अवार्ड की लोकप्रियता इसी मायने में देखी जा सकती है कि पिछले दो जो कार्यक्रम हुए इससे करीब करीब दो गुना आवेदन इस बार ज़्यादा आए, और हमें गर्व है कि इस तरह के लोगों का चयन इस मंच के मार्फत हुआ।